हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आएगा, पढ़ा होगा आपने, फोन का कॉन्सेप्ट सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो और अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि फोन दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर इस फोन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, अगर इस फोन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इनपे होता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे होता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की तरीके से इस मॉलिक्यूल पे एक पोल जनरेट हो रहा है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, और इस पोल को आप बोलते हैं डाइपोल, और ये डाइपोल परमानेंट होता है। तो कुछ परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, कुछ टेम्परेरी डाइपोल्स होते हैं। ये डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने जो बोला है ये भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ये कैसा डाइपोल बनता है, परमानेंट डाइपोल बनता है, मतलब हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा। दिस डाइपोल इज द परमानेंट डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब एंड। जब किसी स्ट्रक्चर में दो एंड बने, जैसे ओ और एच में एक एंड पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव, क्या है ये दो पोल्स की तरह नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन अगर फोन से जुड़ा है तो ये दूसरे फोन से बात कर सकता है। क्या बोला मैंने, कोई भी हाइड्रोजन अगर इस एक फोन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यहां पे जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट है, तो ये दूसरे फोन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब दूसरा कोई भी F O N, अब इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उनसे ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस। क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है इसलिए आप इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ना कि सॉलिड लाइन से। तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक हाइड्रोजन फोन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन किसी और FON यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड की बेसिक चीज। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये कॉन्सेप्ट आप लेके चलेंगे जरा सा। तो मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब कोई जुड़ा रहे किससे, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन से, ये किससे जुड़ सकता है, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन से, ये कहानी है। ठीक है, इनमें से तीनों से एक साथ नहीं जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना अगर किसी के मन में ऐसा और आ रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये F मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, ये मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ। कोई बोल रहा है फोन का मतलब क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, ये 3 एटम्स है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन से कहीं पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगर फ्लोरीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। समझ में आ रहा है, कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, जो या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हैव ओनली अबाउट 1/20th स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो स्ट्रेंथ था कोवेलेंट बॉन्ड का उसका 1/20 यानी बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, 1/20th टाइम्स। ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन 3 एटम्स लाई इन द स्ट्रेट लाइन। अगर ये जो तीनों एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं FON, H और अगला FON, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में हो तो उस कंडीशन में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा अभी उसको चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए आपके पास क्या है, ये है वॉटर। वाटर का सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है इसलिए मैं उसको लेके चल रहा हूं। वाटर के केस में ये है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा इधर की तरफ से, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप इस पे शो करेंगे। अब इसके बाद जो है ये ऑक्सीजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये इस ऑक्सीजन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड बना के। अब इस हाइड्रोजन के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। अब ये तीनों एटम, एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। डोनर वाला वो जिस जो कि ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, और एक्सेप्टर वाला वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में है। तो ये जो तीनों एटम्स होते हैं ओ एच ओ या एफ एच एफ या एन एच एन या ओ एच एन हो सकता है, इधर ओ हो इधर एच ओ इधर एन हो, या इधर ओ हो इधर एच ओ इधर एफ ओ, कुछ भी हो सकता है। एक तरफ एफ ओ एन हो सकता है, दूसरी तरफ FON हो सकता है,
यही हाइड्रोजन बॉन्ड के कई सारे पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों एटम कैसे होने चाहिए? लीनियर। और लीनियर होने के लिए यानी ये जो एंगल है हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का, ये एंगल कितना दिखना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है? 180 डिग्री होगा। ठीक, जैसे यहां देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑलरेडी बाइंडेड है। इस बॉन्ड का लेंथ देखिए 0.1 नैनोमीटर। इस बॉन्ड का जो आप लेंथ देख रहे हैं वो कितना है? 0.1 नैनोमीटर। बॉन्ड की लेंथ क्यों कम है? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जबकि यहां पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है उसका लेंथ आप 0.17 नैनोमीटर शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है वो कैसा है? वीक है। ठीक है, तो ये कहानी आपके साथ चलती रहती है। इसको थोड़ा और जो है लेके चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों को मेंशन किया गया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बट पार्शियली कोवेलेंट अबाउट 10%। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिख रहा है ये। एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा दिख रहा है। डाइपोल है ना, इसमें चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ध्यान दो जाए एक बार फिर से, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, वाटर की बात करूं, ये है एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये है आपके पास H और H। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है और इधर से ये खींच रहा है। अब एक वाटर को और शो किया मैंने यहां से, ये है एक H और ये है एक H। ठीक है, अब इसके पास भी देखिए पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला जो हाइड्रोजन हमने शो किया है, इस हाइड्रोजन के पास देखिए तो एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसके पास टेंडेंसी है कि वो दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, तो यहां से ये बनाएगा। अब इस इंटरेक्शन का पार्ट अगर देखिए तो एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कम कोवेलेंट है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का ही तो है, दो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये जो है पार्शियली कोवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार्जेस कंप्लीट चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस पार्शियल चार्जेस है। इसीलिए आप इसको ना ही कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे ना ही कंप्लीट कोवेलेंट जैसा टर्म देंगे, ये जो है पार्शियल चार्ज है, इसलिए आप पार्शियली इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोवेलेंट बोलते हैं। याद रखिए द बॉन्ड जो है तब बनेगा जब रेडियाई जो है वो शॉर्टर देन वैन डर वाल रेडियाई है। अभी वैन डर वाल रेडियाई क्या है? अब वैन डर वाल रेडियाई के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि अगर वैन डर वाल रेडियाई से कम होगा तो ही जो है वो बॉन्ड बनेगा, वैन डर वाल फोर्सेस में ही आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और एक दो मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है। जैसे यहां पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बना है या दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बना है? दो वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे या इंट्रा बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी रेंज जो मैंने बताया था वो लगभग ये है 1-5 किलो कैलोरी पर मोल, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। देखो मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी रेंज अगर एक आध दो वैल्यू ऊपर नीचे हो तो लड़ाई झगड़ा मत करना, एक्सेप्ट करके चलना कि ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, इसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाला चार्ज जो है और ये वाले मॉलिक्यूल्स, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा डिफरेंट होगा ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। जैसे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इन सब चीजों को देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप 400 करते हैं और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इनमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 आएगा। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 आ रहा है और जरा सा ऑक्सीजन और एच का देखो जरा सा, तो ये 3.5 है और 2.2 है, इसमें 1.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा था। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में ये वैल्यू जो है 3 है और ये कितना है 2.2 अप्रोक्स, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 आ रही है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज।
चलो हाँ जी बोलिए। हाँ ये पूरा लेंथ शो किया गया है। ये एक्चुअली में इतना लेंथ है। ये इतना लेंथ है, वो सही लोकेशन उसका शो नहीं किया हुआ है। ठीक है ठीक। तो अब इसके बाद जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वापस आ जाता है। तो अगर आप ध्यान दे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप शो कर रहे थे, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में आप खुद बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का वो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर बहुत कम पार्शियल बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब अगर थोड़ी सी कम होगी तो थोड़ा कम जाएगा ये खींचेगा, और अगर और कम होगा तो ये और कम खींचेगा। तो जो डिफरेंस है जो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए जो है आपका केस यहाँ पे अपीयर होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ एटम, जो मैंने अभी बताया था अलाइनमेंट ऑफ एटम का मतलब जो है जो थीटा की वैल्यू होती है दैट शुड बी योर 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से कम या ज्यादा होगा ना तो फिर अलाइनमेंट लीनियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बनेगा। एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द एटम्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा तभी जो है वो आपका क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, और सॉल्वेंट का नेचर कैसा आप शो करते हैं, अगर सॉल्वेंट का नेचर जो है वो नॉन पोलर इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो अगर नॉन पोलर इन्वायरमेंट में है तो जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनता है। रीजन बिंग दैट कि जो नॉन पोलर इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करते हैं पोलर पोलर, तो इसीलिए जो है स्ट्रॉन्गर होता है नॉन पोलर इन्वायरमेंट्स। चलिए देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो डोनर और एक्सेप्टर में कॉम्पिटिंग डोनर और एक्सेप्टर काफी कम होते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सभी के सभी पोलर है, तो वो कहेगा मुझसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, वो कहेगा मुझसे बनाओ, तो उस केसेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक बनेगा। जब बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल है तो पता है कि भाई इन्हीं दो चार से बनाने हैं तो वो स्ट्रॉन्गर बनता है, कॉम्पिटिशन कम होगा तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये इसी वजह से नॉन पोलर एनवायरमेंट में ज्यादा बनता है, क्योंकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन पोलरिटी के बेसिस पे ही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये पोलरिटी ज्यादा है सभी में, ये केस आपके साथ चलती है। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अगर चर्चा करें तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट से जो है वो वीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आपके तीन एटम एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब इसमें मैंने बॉन्ड लेंथ बताया कि कोवेलेंट का बॉन्ड लेंथ कम है, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, रीजन बिंग दैट कि उस केसेस में क्या होता है कि वीक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब इन केसेस में जो है जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्गर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जो एनर्जी होती है वो 1 to 5 किलो कैलोरी होती है, एंड इसके अलावा जो है गिव मी वन सेकंड प्लीज। हेलो सर दिए हैं, मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। वो आएंगे तो दे देंगे सर, मैंने उनको टेप पॉकेट भी बता दिया। ठीक है क्या हो रहा है भाई, कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा ये जो वंडर बॉल है उसमें बात कर रहा हूं मैं। वंडर बॉल के तीन फोर्सेस शो किए थे, हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। कोवेलेंट लॉजिक कहां जा रहा है, रेंज 1 to 5 किलो कैलोरी है, वो वहां पे 480 लेके बैठा हुआ। ठीक है, ये जो है वंडर बॉल के जो बेसिक इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक से भी कम होता है ये, लेकिन उनमें जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन और पुरानी इन्फॉर्मेशन को जो है दफनाइए नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम तक लेके चलनी है। आप लोग जो रिवीजन करके आ रहे हैं वो तो मुझे समझ में आ रहा है, कितनी अच्छी रिवीजन आप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि आपके पास एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा हाइड्रोजन का, डोनर मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन भी हो सकता है, एक्सेप्टर नाइट्रोजन हो सकता है, डोनर नाइट्रोजन हो एक्सेप्टर ऑक्सीजन हो,
डोनर ऑक्सीजन हो, एक्सेप्टर नाइट्रोजन हो, ये कुछ भी कंडीशन जो है वो हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब एक तरफ जो है एक डोनर पे एक्स की जगह कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से एटम आ सकते हैं, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, और एक्सेप्टर के तौर पे जो आ सकते हैं या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। अब इसमें जो है कभी कभी पूछा जाता है स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो अब स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ये बेसिक तौर पे यहाँ पे चलता है। अब स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होता है, और इसी वजह से देखिए FHF का केस जो होगा। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे तो FHF यानी जो बॉन्ड बन रहा है उन केसेस को जब लेके चलोगे तो ये सबसे FHF जब दोनों तरफ क्लोरीन होगा तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अभी हमने ये बताया था तीनों वैल्यूज, ठीक है 1.8, 1.3 और 0.8, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो FHF में इस तरफ भी 1.8 का डिफरेंस है और इस तरफ भी 1.8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंस सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा FHF का। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, ये केमिकल सिस्टम की बात है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में और थोड़ा लोअर जाएंगे तो उसमें आता है OHO, FHF के बाद FHO आता है, क्योंकि उसमें जो है एक तरफ 1.8 है तो दूसरी तरफ जो है 1.3 है, थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जैसे और अगर पीछे जाएं तो देखिए ये है 1.3 और ये है 1.3 और ये है OHO। अगर मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करूं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है OHO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये पूरे केमिकल सिस्टम में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। लेकिन केमिस्ट्री में बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड या हमारे अंदर बहुत ज्यादा नहीं होते, हमारे अंदर ये है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो फिर OHN होगा और जो सबसे वीकेस्ट हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा NHN, सबसे वीकेस्ट जो होगा वो NHN होगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो FHF होगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें तो OHO होगा स्ट्रॉन्गेस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा, और कुछ लोग तो अभी पुरानी बातों में अटके हुए हैं, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास, कुछ लोग बोल रहा है कि NCERT से जो है केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फर्जी डिग्री लोगे तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो कहानी जो है वो समाप्त कह सकते हैं, और मर्जी है आपकी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो, है ना। कुछ लोग तो वैसे भी भागेंगे बायोकेमिस्ट्री के नाम से। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताओ सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, NHN होगा या NHF होगा? NHN होगा सबसे वीकेस्ट। और अगर मैं इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछूं तो कौन सा होगा? अरे जोड़ो पहले, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, ये होगा 1.8 और ये होगा 0.8, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है 2.6, और यहां पे कितना आ रहा है देखो 1.3 और 1.3, ये भी कितना आ रहा है 2.6, यानी यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना मुश्किल है क्योंकि दोनों में जो सम आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस का वो बराबर आ रहा है, एंड इसीलिए ये दोनों लगभग इक्वल बराबर होंगे, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होगा वो लगभग बराबर होगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात आप नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करता कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, तो आप कौन सा मेंशन करते फिर? OHO, ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसमें एक मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के केस के ऊपर एक बॉन्ड एंगल की कहानी भी बताई थी कि अगर उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। मैंने बोला था एक डोनर है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब एक जो है एक्सेप्टर है, ठीक है, अब इस एक्सेप्टर और डोनर के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। अब ये जो एंगल है हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाला एंगल ही क्या कहलाता है? थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। दिस एंगल शुड बी, थीटा शुड बी 180 डिग्री, मतलब मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? तीनों लीनियर होने चाहिए, अगर लीनियर होंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत की बात आ जाएगी। अब ये लीनियर बनेगा तभी, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन जब ये 180 होगा तो बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर आप शो करेंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट शो करेंगे या वीकेस्ट शो करेंगे? आप यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट शो करेंगे, ठीक है। अब इससे वैल्यू घटाते जाइए या बढ़ाते जाइए, ये जो है वैल्यू घटती कम होती चली जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, जरा ध्यान दीजिए, जो एक पिछले डायग्राम में गलती थी वो यहाँ पे सही कर दिया गया है। देखो जो कोवेलेंट का डिस्टेंस है 0.1 है
और लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस 0.18 या 0.17 नैनोमीटर है, जो कि यहाँ पे अब सही है, वहां पे जो कंफ्यूजन हुआ था। अब ये जो H के बीच में ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का जो एंगल है उसी को बोलते हैं थीटा। अब अगर ये लीनियर है तो दिस थीटा शुड बी 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर जैसे ही आप इसकी बात करते हैं ये थीटा इधर की तरफ आ रहा है तो ये जो एंगल है 180 से कम हो गया, 180 से क्या हुआ, कम हो गया। तो ये कहानी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का एक रेंज है, उसी रेंज में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और उसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट कब बनेगा ध्यान रहे। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ बना रहा है, इसमें जो एंगल आप शो कर रहे हैं ये एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे जरा देखिए एंगल, ये एंगल 180 है कि 120 दिख रहा है, लगभग देखा जाए तो 100 लगभग ये 90 है, 90 से 30 दिख रहा है, तो लगभग थीटा की वैल्यू में अप्रोक्सीमेट मान के चलो 120, ठीक है। तो लगभग जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड 120 से लेके कहां तक बनता है, 180 तक। तो जो थीटा की वैल्यू अलाउड रीजन है, याद रखना कि जैसे अलाउड का मतलब आपने कभी रामाचंद्रन का सुना होगा कि एक वैल्यू अलाउड है कि कितने एंगल तक बॉन्ड का फॉर्मेशन या ग्रुप हो सकते हैं, वैसे यहां पे थीटा की वैल्यू जो अलाउड है वो है 120 डिग्री से लेके 180 तक। और उसमें जो सबसे वीकेस्ट होता है वो 120 पे होगा, सबसे वीकेस्ट होगा वो 120 पे होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस पे होगा, 180 पे। और उसी का एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, ये ग्राफ एक रिसर्च पेपर से लिया गया है और रिसर्च पेपर को अगर आपको पढ़ने का मन करे तो बता दीजिएगा, मैं साइट कर दूंगा। लेकिन ये रिसर्च पेपर में जो ग्राफ है और भी बहुत सारे डायग्राम्स थे, लेकिन उसमें ये ग्राफ क्या है वही एंगल को शो कर रहा है। ध्यान देंगे तो 120 पे देखिए और 180 पे देखिए, और ये जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है, एन का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना ज्यादा बन रहा है। आप 120 पे जो देख रहे बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहा है, 180 पे। तो इसका मतलब यही है कि 180 डिग्री फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है, फेवरेबल है ना। तो ये कंडीशन जो है वो आपके साथ चल रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने बहुत सारी चीजों को चर्चा किया, उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे और वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरली होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, कैलोरी कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस जो है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अलाइनमेंट डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड करता है। लेकिन एक ये वाला जो था कि शॉर्टर देन वैन डर वाल रेडियाई, हर एटम की अपनी एक रेडियाई होती है, मतलब रेडियस होता है, उसी को जो है अब अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे जब हम एक डायग्राम को शो करते हैं तो वाटर को ही शो किया गया है, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का अपना एक रेडियाई है, ये हाइड्रोजन का अपना एक रेडियाई है। जब इस रेडियाई के अंतर्गत आएगा वाटर तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से कि अब इस पर्टिकुलर केसेस में जब आप वैन डर वाल एनवलप की बात करते हैं या वैन डर वाल रेडियाई की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, दैट इज वैन डर वाल रेडियस है 1.4 एंगस्ट्रॉम, लगभग अगर नैनोमीटर में बोले तो 1.14 नैनोमीटर है, ये ऑक्सीजन का रेडियस है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेडियाई है वो देखिए 0.95 आप जो है एंगस्ट्रॉम के तौर पर शो कर रहे हैं बॉन्ड का डिस्टेंस। इस तरीके से जो है वैन डर वाल रेडियाई को 1.2 एंगस्ट्रॉम के तौर पर जो है आप हाइड्रोजन का डिस्टेंस। अब यही केसेस में जब कोई वाटर इनके करीब आएगा तो वो रेडियाई जो है उनका रेडियाई जब मैच करेगा तभी जो है यहां से यहां तक क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है। तो जब ओ आया, अब इसको जरा ध्यान दीजिए और ध्यान से कि मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये रेडियाई हाइड्रोजन का कितना है जनाब, लगभग लगभग 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लगभग अगर मैं इसको नैनोमीटर के हिसाब से बोलूं तो कितना है, 0.12 ये बोलूंगा ना नैनोमीटर में इसको 0.12, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन का रेडियाई यहां, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन को रखना हूं, यहां से समझा देता हूं थोड़ा आसान रहेगा, हाइड्रोजन का जो रेडियाई है वो यहां से देखिए सेंटर से ये है 0.12 नैनोमीटर, और ऑक्सीजन को अगर यहां पे रखूंगा तो इसकी रेडियाई को मैं यहां से जो शो कर रहा हूं ये कितना होगा 0.14 नैनोमीटर, यही है ना भाई, बोलो, अरे हाँ या ना। ऑक्सीजन 0.14 और ये हाइड्रोजन 0.12, यही डेटा रखा है मैंने,
अब इस डेटा में समझिए कि ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये किसी और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, ये रेडियस पहले ये देखिए कितना रेडियस आएगा, अगर इन दोनों को सम करना है तो दिस रेडियस शुड बी 0.26 नैनोमीटर, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कितने पे बनता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अभी किसी ने डाउट पूछा था इसी पे और मैंने समझाया था ये होता है 0.17 या 0.18 नैनोमीटर पे, अरे है ना। तो ये देखो जो वंडर वॉल रेडियाई होना चाहिए ये उससे कम है कि ज्यादा है, जो होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन अरे जो होना चाहिए 0.26 होना चाहिए, लेकिन जब बनता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है 0.18, तो ये शॉर्टर देन वंडर वॉल रेडियाई है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस रेडियाई को और क्लोज कर देता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो रेडियाई को क्लोज करेगा करेगा, तो इसी स्टेटमेंट को मेंशन किया जाता है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका दैट इज लगभग 0.26, लेकिन है कितना दैट इज 0.18, तो इसी स्टेटमेंट को बोला गया कि इट इज शॉर्टर देन वैन डर वाल रेडियाई। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये केस जो है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ वाटर में बनेगा कि और कहीं पे भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, वाटर वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वाटर अमोनिया के साथ बनाए, लेकिन याद रहे कि इसमें तीन ही कंपोनेंट को आप शो करेंगे, कौन से, FON, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, इसकी कहानी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें भी बन सकता है, मिथेन है, अगर मेथेनॉल है उसमें भी बन सकता है, देखो मेथेनॉल और मेथेनॉल जुड़ते, तो कई जगहों पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो शुरू में बोला था कि अगर कोई हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा है तो किसी और फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, टेंडेंसी रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो जरा सा ये क्वेश्चन देखो और बताओ, इसमें किसी और में FON तो है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन सकता है तो किस में बन सकता है, यूरिया में, क्योंकि यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है NH2CONH2, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है नेचर आप शो करते हैं कहां पे, कई सारे गुआनिन साइटोसिन के बेस पेयर में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंटी पैरेलल बीटा शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमीनो एसिड के साइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते, ये नेचुरल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो ये सब चीजें डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि कैसे आप केमिकल से बायोलॉजिकल सिस्टम में घुसेंगे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग वो आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैं अगर यहां पे मैक्सिमम नंबर का कॉन्सेप्ट बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बना सकते हैं, ठीक है। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि कितने हाइड्रोजन फोन से जुड़े हैं और कितने ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो देखा जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस पे किया जाता है, ना कि डोनर के प्रेजेंस पे। याद रहे कि कई लिटरेचर में इवन एक बुक है पाथफाइंडर, उसमें भी ये चीज थोड़ी सी गलत मेंशन की गई है एक जगह पे, ठीक है। जनरली वो काफी अच्छी बुक, एक्यूरेट बुक है, लेकिन स्टिल उसमें वाटर का मैक्सिमम पोटेंशियल 400 किया गया है, लेकिन चार तब करेंगे जब आप इसको भी कंसिडर करेंगे और इसको भी कंसिडर करेंगे कि ये दो हाइड्रोजन यहां से बना सकते हैं और दो यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये हम हाइड्रोजन बॉन्ड की जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें आपको स्पेसिफिकली रेफरेंस मेंशन किया जाता है कि आप किस चीज के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे दैट इज बाइंडेड विथ FON। आप यहां पे FON को नहीं देखते, आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन FON से जुड़े हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पे बात करता हूं, यह है हाइड्राजीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2NH2, ठीक है, यह है NH2NH2, हाइड्राजीन को आप शो करते हैं। अब अगर इस हाइड्राजीन को आप देखें तो अगर मैं इसमें पूछूं कितना यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो कितना बनाएगा, ठीक है, 4 बनाएगा, कैसे,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, चार ऐसे हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप शो करेंगे वो 400 करेंगे, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर लूं, ये नाइट्रोजन फर्दर किसी से बना सकता है, तो 6 हो जाएगा, लेकिन फिर आंसर गलत हो जाएगा, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गड़बड़ किया गया था। यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितना शो करोगे, 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 हाइड्रोजन की शो करोगे। 4 तब होगा जब ये दोनों लोन पेयर इंटरेक्ट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इसको देखो, ग्लिसरॉल, इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा मुझे यूरिया बता दो फिर, यूरिया NH2 बताओ 4 होगा, इसमें H2 और इसमें, कोई बोल रहा कि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है भाई। अरे देवी जी जरा देखिए, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन, इसमें 3 ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो 3 ही बनाएंगे ना, कि ये वाले हाइड्रोजन भी बना लेंगे, कार्बन वाला भी, कार्बन वाला नहीं बनाएगा ना, सिर्फ ऑक्सीजन वाला बनाएगा। बिल्कुल बना सकता है। मैंने क्या बोला है कि जब क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल जो वैल्यू पूछी जाती है, मैंने फिर यही बोला कि अगर मैं इसमें नाइट्रोजन को लूंगा, जब ये नाइट्रोजन को आप लेते हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जब बात करते हैं तो ये देखोगे तो 3 बनाया है, लेकिन इसके पास स्टिल एक लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन बनाया, इसके पास स्टिल लोन पेयर है। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करोगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और आएगा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 6 बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन कभी भी ऐसे पूछेगा ही नहीं, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी तो उसमें भी यही आएगा, तो थ्योरेटिकल नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से इनको भी कंसिडर करते चलिए। जब भी हम वाटर की या किसी भी कंडीशंस की बात करते हैं तो हम ज्यादातर इनको लेके चलते हैं हाइड्रोजन को। ऐसे आप यहाँ पे करोगे तो इसके पास देखो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर 2 अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसमें 2+2 करोगे तो टोटल कितना बोलोगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये 4 जो है ये बहुत ही रेयर केस है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो पूरा लीनियर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हाइड्रोजन इससे लीनियर हो रहा है, ये लीनियर हो रहा है, पूरा कैसे होते चले जाएंगे, एकदम लीनियर वाटर जैसा हो जाएगा, जो कि बहुत रेयर होता है, वो होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर ये भी बना सकता है, लेकिन इतना बॉन्ड बनाएगा, हिंड्रेंस नामक चीज सुनी है कि नहीं सुनी है, स्पीयरिक हिंड्रेंस, इतने बॉन्ड बनाएगा कैसे, क्राउडिंग नहीं हो जाएगी, मॉलिकुलर क्राउडिंग, ठीक है, ये कंडीशन चलेगा। अब यूरिया का समझा दीजिए भाई, यूरिया को समझाने जैसा कुछ बता है, ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, किसी को तो स्ट्रक्चर ही नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, मुझे पक्का पता, फर्जी डिग्री लेके आए हूँ आधे लोग क्लास में, जिस हिसाब से ग्रुप में ऐसे चिल्लम चिल्ली मजाक रखते हैं, ये पक्का पता, इंस्टाग्राम पे सब पता होगा, रील कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ठीक है, टिंडर पे कैसे राइट और लेफ्ट स्वाइप होता सब पता होता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात आती है, ऐसे फैल जाते हैं जैसे कि इन्हें बरगद के पेड़ से अमरूद तोड़ने को बोल दिया गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है, तो जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो भाई 2 इधर और 2 इधर, 4 होगा ना, ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करो, थोड़ा कॉमन, आप लोगों को इधर उधर कोशिश करनी नहीं, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि जो गाड़ी है उस गाड़ी से चला जा सकता है, तो आप सिर्फ चलोगे, आप उसको दौड़ा के इस रास्ते उस रास्ते पे कभी घूमोगे नहीं, इतने सीधे बैल मत बनो, वो घोड़े के जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे ऐसे लगा देते कि सिर्फ सीधा चल रहा होता है। आपको नॉलेज खोल दिया गया, आपको बता दिया गया कैसे काउंट करना है, कोई स्ट्रक्चर हो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ये अगर नहीं आया तो किसी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आएगा खत्म, कहानी हो जाएगी, है ना। तो ये तरीके हो जाएंगे, लोन पेयर को काउंट मत करना, यस एग्जैक्टली, डो नॉट काउंट द लोन पेयर जब क्वेश्चन आए तब, ये इंटरव्यू वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब फिलहाल के तौर पे जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को रखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आया तो बोलो, हाँ नहीं समझ में आया तो ना बोल सकते, ठीक है।
चलो अभी तो समय है ना, ठीक है मैं क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ी देर, चला कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। ये बताओ क्या होगा आंसर, कोवेलेंट कोवेलेंट किससे मैच कराओगे, पी का फोर्थ हो गया, वॉन्डर वोल्ट किससे होगा 0.5, क्यू का 5, आगे आंसर बी आंसर, इसके आगे मैच कर लो है ना, ठीक है ये अभी करेंगे हम इसके, ये बात करो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 जून 2014 में, अब बताओ इसमें 6 कहां से आया, 4 ही आएगा ना, ठीक है तो ये बताओ डोनर हाइड्रोजन और एक्सेप्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 180, ठीक है ना क्लियर है। चलो ये बताओ कोवेलेंट सी का थर्ड ही होगा, अरे सी का थर्ड ही होगा ना भाई, सी का थर्ड होगा और वॉन्डर वॉल कितना रखोगे 0.5, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड बी का फर्स्ट, सी का थर्ड बी का फर्स्ट है, अब ए का फोर्थ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा लगभग 3 के आसपास, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है यही होगा ना डी का टू, ये बता दो अभी यही करवाया था, अगर 2-3 इंगस्ट्रॉन है वैक्यूम में -500 है तो वाटर में कितना होगा 80 कर देंगे 500/80 क्या आ जाएगा दैट इज -6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ये मैं यही पे कराया था, ये क्वेश्चन देख के बताओ ओनली ए, कुछ लोग कान आंख नाक सब बंद करके बैठे हुए, ये एंगल देखो थीटा की वैल्यू यहां पे 180 थोड़ी है भाई, ये कंफ्यूज किया है, यहां पे आपको मैक्सिमम किस पे मिलना चाहिए, देखो ये 180 पे आ रहा है, इधर देखोगे तो ये इधर भाग रहा है, अब इसमें जो जनरली आंसर आएगा वो क्या आएगा बी भी आ सकता है सी भी आ सकता है लेकिन ए कतई भी नहीं आ सकता, इसलिए आप अगर एलिमिनेट करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, अब बताता है कि बी और सी में किसको चूज करें, तो उसमें जो आता है वो आता है बी 180 से 30 मतलब लगभग जो है 120 से 130 इधर जाता है और 30 इधर जाता है, जो रेंज होता है प्लस माइनस वो ध्यान रख सकते हैं, तो इस वजह से आपका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, मतलब जो आपका एंगल होता है अगर वो 180 से प्लस 30 इधर और प्लस 30 उधर जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि नॉलेज जो आपने पढ़ा आपने सिर्फ डायग्राम याद रखा था, ये एंगल देखा नहीं कि कहाँ पे क्या है और तुरंत फटाफट गायब हो जाएंगे, अरे ये 100 डिग्री पे शो कर रहा है मैक्सिमम जो कि लॉजिकली सही नहीं है, ठीक है हाँ जी बिल्कुल।